हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडिंग एसएस ऑफ स्टैंडर्ड 6, चैप्टर नंबर 13, इंडिया, अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था और रिवीजन स्टार्ट किया था। देन ऑफलाइन एजुकेशन में हमने लेसन नंबर 11 तक रिवीजन कर दिया है। अब हम लेसन नंबर 13 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थ सरफेस फिजियोग्राफी के बारे में है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मैं रिवीजन में आपको बताऊँगी आपको किस टाइप से MCQs, फिलअप्स, मैच, राइट रॉन्ग, क्वेश्चन आंसर्स और ये सारे रेडी करने हैं। ओके, प्रिपरेशन करनी है आपको एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। ओके, तो हम सभी को मालूम है, हम इंडिया का मैप देखते हैं, उसमें हमको पता चलता है कि कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। ओके, बाय विच नेम इज माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थन पार्ट ऑफ हिमालय नोन एज, तो उसको हम बोलेंगे शिवालिक हिल्स। विच हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री माउंटेन रेंज, तो वो है ग्रेटर हिमालयास। विच हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड टू द साउथ टू हिमाचल माउंटेन रेंज, तो सेंट्रल हिमालयास। ओके, देन है विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और आगे के प्लेस के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉपरली याद रखने हैं। विच प्लेट क्यूज इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये होगा डेक्कन प्लेन। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये भी जनरल नॉलेज के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू द विच बॉडी डू द रिवर्स नर्मदा एंड तापी मीट, तो कौन सी रिवर होगी, कौन से वाटर बॉडी के अंदर जाएगा वो, रिवर अरेबियन सी में। ओके, विच वाटर मॉस डू द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी मीट, तो ये होगा बे ऑफ बंगाल। वेयर हैव द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म सुंदरबन डेल्टा रीजन, तो बे ऑफ बंगाल होगा इसका आंसर भी। विच आइलैंड आर लोकेटेड टू साउथ ईस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, तो आइलैंड कौन सा है वो, अंडमान एंड निकोबार। ओके, देन ए क्लाइमेट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ विंटर सीजन कौन से टाइम पर इंडिया में स्टार्ट होता है, तो वो है दिसंबर टू फरवरी। समर सीजन कब होता है, तो मार्च टू मई। ओके, ड्यूरिंग विच मंथ इज मॉनसून, तो जून टू सितंबर। ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, सारे ये सीजन्स के बारे में। देन ए वेजिटेशन, विच इज़ द मेन रीज़न ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। ओके, तो क्यों डाइवर्सिटीज़ हैं, वो है क्लाइमेट डिफरेंस के रीज़न से सभी जगह वेजिटेशन में डाइवर्सिटीज़ हैं। ओके, देन अलग अलग ट्रॉपिकल रेंज के हिसाब से, जब आप टेक्स्ट बुक में आपने रीड किया है फॉरेस्ट के टाइप्स, है ना, कहाँ पर ट्रॉपिकल रेन होती है, कहाँ पर ट्रॉपिकल रेसिड्यूस फॉरेस्ट हैं, है ना, कौन से जगह पाइन एंड साल के ट्रीज होते हैं, कौन से किस टाइप के फॉरेस्ट में। ओके, तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये है विच ऑफ द ट्रीज ट्रॉपिकल डेडिड्यूस फॉरेस्ट, ओके, नीम, है ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान में रख के
आपको लर्न रखने हैं। देन वाइल्ड लाइफ हुआ, तो ये आप लोग फर्स्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ओके, एलिफेंट के लिए कौन से स्टेट्स फेमस है। देन वेयर आर द एशियाटिक लायन फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट, नेशनल बर्ड कौन सी है। ओके, तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आते ही हैं क्योंकि आप लोग ये फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। टू विच लेक ऑफ गुजरात डू द माइग्रेटरी बर्ड कम ड्यूरिंग विंटर। ओके, तो कहाँ पर नल सरोवर में आते हैं गुजरात के, है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, इस टाइप से फिर है। देन अगेन अर्थ सरफेस के फिल इन द ब्लैंक्स, अभी तक हमने मैच पढ़े, अब हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसी टाइप से कि भाई मैप हम देखते हैं तो उसमें साउथ में कौन सा बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है वेस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में है। ओके, तो इसका किलोमीटर 3214 है। देन ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये आप 1-5 तक भी स्टडी कर चुके हैं जीके में, है ना। माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन ग्रेट हिमालया, अंडमान निकोबार आर इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट, है ना, लैंड आर फॉर्म्ड ऑफ कोरल। ओके, तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेना है। कौन कितने सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो 4 है। ओके, डेज शॉर्टर होते हैं और लॉन्ग, डेज शॉर्टर होते हैं वो होता है विंटर, डेज आर लॉन्गर होते हैं वो होता है समर, हॉट विंड्स होती है उसको लू बोलेंगे। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको रेडी कर लेना है। ओके, देन वेजिटेशंस में आएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेंस एंड लार्ज, जहाँ पर रेन अच्छा होता है वो फॉरेस्ट डेंस होते हैं, गहरे होते हैं। ओके, और ड्राई एंड श्रब फॉरेस्ट कैसे होते हैं, थॉर्नी होते हैं, है ना, और फॉरेस्ट जिनके पॉइंटेड लीव्स होती है वो होते हैं ड्राई एंड श्रब्स। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, जैसे सुंदरी शेर, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं। वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड गोट इज फॉर्म्ड इन हिमालय एंड नीलगिरी माउंटेन, लायन इज फाउंड इन ओनली गिर फॉरेस्ट, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड, फ्लेमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको हर जगह काम लगने वाले हैं। देन है राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग भी आपको प्रॉपरली रीड करना है, प्रॉपरली रीड करेंगे तभी आपको उसके बीच के डिफरेंस समझ में आएंगे। ओके, कि आपको राइट करना है, रॉन्ग आना है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ये सारे वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और सभी के राइट और रॉन्ग है, है ना, तो इनको आपको प्रॉपरली रीड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स, मैच और राइट रॉन्ग किया है, ये आपको सभी प्रॉपरली रिवीजन में कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से मैच क्वेश्चन आंसर्स वगैरह स्टडी करेंगे। Till then, okay, bye and take care of